हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे जनाब। तो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, दिन का टाइम है, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है। तो मौसम कुछ सर्द नज़र आ रहा है मुझे, तो मैंने कहा आपको मौसम दिखा देते हैं ऊपर से कैसे है। ये देखें, सारी धुंध वगैरह है या बादल हैं, थोड़ी सी ठंड पड़ना शुरू हो गई है क्योंकि नवंबर स्टार्ट हो रहा है। आपको पता है नवंबर स्टार्ट जब होता है तो सर्दी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हमारे शहर में देखें, अब आज से कुछ सर्दी का स्टार्ट हो रहा है, ठंडी हवा भी चल रही है और बादल भी हैं आसमान पे। ये देखें, उस दिन बारिश हुई थी, पहली बारिश हुई थी सर्दी की, लेकिन फिर भी इतनी ठंड नहीं पड़ी थी, लेकिन आज मौसम कुछ ठंडा लग रहा है। ये देखें जी, हमारी नीम हमारी तो नहीं है, उनके घर लगी है, लेकिन इधर भी आ जाती है। ये कितनी बड़ी हो गई है, पहले ये गिर गई थी जब तूफान आया था बहुत ज़्यादा। देखें जी, कबूतर भी उड़ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आपको मौसम भी दिखा दूँ। तो नाश्ते में हम क्या लेते हैं जी, आज मैंने क्या बनाना है मैं आपको दिखाती हूँ। तो काम अली मौसी आई हुई है, उससे मैंने कहा अनार छीलें और मौसमी। आज हम अनार और मौसमी का जूस बनाएंगे, वो पियेंगे, और देखते हैं केले का मिल्क शेक भी बनाते हैं, तो फिर वक्त से शेयर करती हूँ। थोड़ा सा मैंने कहा मैं आपको मौसम भी दिखा देती हूँ, इस बार काफ़ी अर्से के बाद मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ। ये देखें, और ये बादल आए हुए हैं, तो इस बेस्ट शादियों का सीज़न भी है। और यहाँ नीचे ये जहाँ नीम लगी हुई है, रात इनके घर काफ़ी ढोल वगैरह बज रहा था, तो इनकी शादी स्टार्ट है, वो भी मैं मौका मिला तो आपसे शेयर लाजमी करूँगी। तो दिखाती हूँ आपको, ये देखेंगे इनका घर, इनकी भैंस ने बच्चा भी किया है। थोड़ी सी मैंने एंट्री दिखाई है उनके घर की, इनके भैंस ने एक छोटा सा बच्चा भी दिया है, वो खड़ा नहीं हुआ तो मैं आपको दिखाती हूँ ना। तो गाइस, कैसा लग रहा है हमारा ये मौसम? आपका बहुत अच्छा मौसम हो रहा, ठंडी हवा चल रही है, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करती हूँ। अब नीचे चलते हैं, अपना जूस बनाते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमारा जूस कैसे बनता है, मौसमी और अनार का हमारी नाश्ता करेंगे जूस पी के। तो चलते हैं जी नीचे, चलें जी, आप हमारे साथ रहिएगा। जी हम नीचे आ चुके हैं और यहाँ कमरे में आए हैं, तो यहाँ से वो सफाइयाँ वगैरह कर रही है कॉमन वासी, तो मैंने कहा चलें जी हम अपना जूस बनाते हैं, वो काम कर लें। चलें जी, ये देखें गाइस जी, ये मौसमी है, 5 मौसमी मैंने कहा करें, और ये 3 अनार थे। तो केले कहाँ हैं जी? केले लेके आओ, ये जी केले हैं। देखें अब हम ये जूस निकालते हैं पहले, तो बाद में केले का मिल्कशेक निकालेंगे, देखते हैं वो अगर हमारा ये जूस हमें चलें पहले हम जूस निकालते हैं तो फिर हम मिल्कशेक बनाते हैं जी। चलें आप हमारे साथ रहिएगा और हमारे साथ ही नाश्ता कीजिएगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जूस मशीन है ये वाली, इसमें हम मौसमी और अनार का जूस निकालेंगे। एक ये भी है, इसमें सिर्फ हम अनार का जूस निकालते हैं, इधर से डालते हैं अनार, यहाँ से डालते हैं और आगे से नीचे से ये जूस निकलता है यहाँ से, और यहाँ से इसका जो होता है मवाद वो निकलता है इस साइड से। ये मशीन सिर्फ अनार की है, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखें। लेकिन हमने मौसमी और अनार इकट्ठे निकालना है, तो वो इस मशीन में हम निकालेंगे। चलिए हमारे साथ रहिएगा। Thank you.
ये देखें गाइस, अब हम इसमें केले डाल रहे हैं, 1 किलो मैंने डाल दिया था, इसमें अब ये दूसरा डाल रहे हैं, क्योंकि अनार मौसमी और केले का हम जूस बना रहे हैं, ठीक हो गया। क्योंकि इसका मिल्क शेक मैं नहीं बना रही, क्योंकि मैंने कहा इसके साथ ही हम इसको शेयर करते हैं और बहुत मज़े का, बहुत टेस्ट आने वाला है, चलिए आप हमारे साथ रहिएगा। ये देखिए कि मैंने 3 केले डाल दिए, एक पहले डाला था, तो अब हम इसको चलाएंगे मशीन को। ये देखिए देखें गाइस जी, अब हमने इसमें मिल्क शेक वाले जग में ये डाल दिया सारा जूस में, केले का अनार का और मौसमी का ये जूस है सारा, और इसको हम मिक्स करेंगे। थोड़ी सी इसमें चीनी डालेंगे, थोड़ा सा इसको हम जैसे हम जूस मिल्क शेक बनाते हैं तो वैसे इसको बनाते हैं, लेकिन हमने इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी, सिर्फ हमारे अनार का जूस है और मौसमी और केले का, ये हमने 3 मिक्स किए हैं जूस और इकट्ठे बनाए हैं उस मशीन में। तो अब हम ये ग्राइंडर में कर रहे हैं, क्योंकि अब ये जूस मशीन में हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए इसको हम करेंगे, तो जूस जब तैयार होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, हमारा ये जूस तैयार हो चुका है, ये जी अनार मौसमी और केले का है जो हमने मिक्स इसको साथ साथ बनाया, तो इसको आप बनाएं, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा सूखा मेवा डालें वो भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं स्ट्रॉ डाल रही हूँ इसमें, स्ट्रॉ से पीने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये देखें जी, स्ट्रॉ से पीने में ज़्यादा मज़ा आता है, वाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बना है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज़।